जैसे हालत हैज में नमाज पढ़ने पर पाबंद, सॉरी हालत जनाबत में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी, हालत हैज में भी शरीयत ने नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी। हालांकि नमाज का हुक्म तिलावत की निस्बत कई गुना ज्यादा अहम है। नहीं आ रही बात। नमाज इस्लाम का रुकन है, नफली तिलावत करना ऑप्शनल है, करें ठीक है, नहीं करें कोई गुना नहीं है। नमाज छोड़ने वाला बाज आइम्मा के नजदीक काफिर है, सारी जिंदगी नफली तिलावत नहीं करते फासिक भी नहीं होगे, काफिर तो दूर की बात। इतना अहम हुक्म जो फर्ज नमाज का था, तो वहां अल्लाह ने इन फुरूक का ख्याल, बोलो भाई, नहीं रखा। जैसे जनाबत में आपको इजाजत नहीं है नमाज पढ़ने की, चाहे नमाज कजा हो जाए, गुसल करना पड़ेगा, पानी नहीं है तो तयम्मुम करना पड़ेगा, आपको इजाजत नहीं है। ऐसे ही हैज में भी आपको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है? नापाकी है। तो तिलावत नमाज से, बोलो भाई, कम दर्जे की चीज है। बाज हजरात तो इसके कायल हुए हैं कि जो हैज की हालत में औरत को नमाज की इजाजत नहीं है ना, उसकी वजह भी तिलावत है। असल उसकी असल वजह क्या है? तिलावत है। लेकिन मुझे इस पर कोई दलील नहीं मिली, मगर यह बात करीने कयास बहरहाल है। बाज उस फतवे में यह भी लिखा है कि हैज की हालत में औरत को तिलावत से रोकने में हरज है, हिफ्ज़े कुरान भी नहीं हो सकेगा, और इतना अरसा तक तिलावत का क्या करेगी? नागा करेगी। इसका एक जवाब तो मैंने दे दिया, नमाज से रोकने में हरज ज्यादा था, मगर शरीयत ने नापाकी को ज्यादा नुमाया किया है कि भाई नापाकी है, नमाज माफ कर दो, नहीं पढ़ सकते। सिर्फ जायज ही नहीं, नाजायज है नमाज पढ़ना। रहा यह मसला कि तिलावत से इतना अरसा रोकने में हरज है, तो यह हरज भी आपका बनाया हुआ है। हरज उसे कहते हैं जिसको शरीयत हरज कहती है। इस्लाम में एक हफ्ता अगर औरत तिलावत ना करे तो इसमें कोई हरज? बोलो भाई, जब नमाज पढ़ने में हरज नहीं है तो तिलावत ना करने में हरज कहां से हो गया? हरज की वजह से आप अगर गुंजाइश दोगे तो वो हरज जिसको शरीयत हरज मानती है। अगर एक हफ्ता औरत का तिलावत ना करने में हरज होता तो फिर एक हफ्ते तक तिलावत का नागा करना नाजायज होता, गलत होता।